नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोल प्रो टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जैप्टो डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक जैप्टो के अंदर डिलीवरी बॉय पार्टनर ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। मैं चाहूँगा आप ये पूरे वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी एक मिस ना हो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बात करेंगे आज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इसमें क्या क्या है आपके लिए, इसमें आप जॉब कैसे ले सकते हैं और आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलेंगे टॉपिक के ऊपर। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके काम आती है तो लाइक कीजिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं चाहिए, लेकिन किसी ऐसे बंदे को आप जानते हैं जिसको ये जॉब कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आज के टाइम पे किसी का या आज के टाइम पे क्या कभी भी किसी का आपके थ्रू हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो। बात करते हैं जैप्टो की। जैप्टो एक ऐसा यूनिक स्टार्टअप, तो मैं इसे नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन स्टार्टअप है, जो ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवरी करता है आपके घर तक, जैसा ग्रोफर्स करता है, बास्केट करता है, आप तो स्विगी इंस्टामार्ट भी करता है, अमेजोन भी करता है पेंट्री के रूप में जो था इसका, वैसा कुछ और फ्लिपकार्ट भी करता है आप देख रहे हैं। तो जैप्टो में ऐसा खास क्या था? जैप्टो में खास ये था कि इनका जो मेन USP था ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है या प्रोपोजिशन जो भी सर कह सकते हो, ये था इनका 10 मिनट में डिलीवरी। आप खुद सोचिए, ग्रोफर जो थे, बिग बास्केट जो था इससे पहले, वो आज आप बुक कर रहे हैं कोई सामान, वो बोल रहे थे दो से तीन दिन लगते थे और बंदा डिलीवरी चाहिए उसे आज शाम को। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्रॉब्लम देखो देखा और सोल्यूशन निकाला और उन्होंने बोला कि हम 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी था और इस वजह से जो दूसरी कंपनीज हैं इन लोगों को अपना बिजनेस जो मॉडल है उसको चेंज करना पड़ा। अब ये भी इंस्टेंट डिलीवरी के अंदर आई है और ऑल थैंक्स टू जैप्टो कि इसने किया। बहुत छोटा स्टार्टअप है, अब बड़ा वाला धीरे धीरे मुंबई से स्टार्ट हुआ था, अब धीरे धीरे दिल्ली NCR में भी फैला है कहीं कहीं जगह पर, लेकिन अभी पूरी जगह पर इसकी सुविधा नहीं है। बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, इन जगह पर है, लेकिन अभी इतना रैपिडली हर सिटीज़ में नहीं है, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। और इसमें अपॉर्चुनिटी अभी कम है, लेकिन जब ऐसे एक्सपेंड होगा तो उसमें बहुत सारी जॉब्स आएंगी। जॉब्स अभी भी इसमें बहुत सारी हैं, अगर आप इनके ऑफिशियल जो इनका जैप्टो का वेबसाइट है वहाँ जाके देखेंगे करियर सेक्शन में, तो बहुत सारी जॉब्स हैं। डिलीवरी बॉय की जॉब्स वहाँ पे लिस्ट नहीं करते ये लोग, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए आपको इनके जो ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा आप रहते हैं कहाँ पे। और उससे मैं पहले बोलूँगा कि आप देखिए कि इनकी वेबसाइट पे जाके, जैप्टो की वेबसाइट पे जाके, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जा क्लिक कीजिए, सीधे पहुँचेंगे। ये कहाँ कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं तो आपके यहाँ पे इनका एक ऑफिस ज़रूर होगा। तो डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए सीधे आप वहाँ जाइए, क्योंकि डिलीवरी बॉय की जॉब ये लोग पोस्ट नहीं करते ऐसे। अब जो ये पोस्ट करते हैं वो दूसरी जॉब पोजीशन होती है, जो थोड़ी सी इनकी जो ऑफिशियल कह सकते हैं कि पोजीशन है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन इन डिलीवरी बॉय जॉब्स के लिए ये पोस्ट नहीं करते ऐसे। तो आप सीधे इनके ऑफिस जाइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इनको जो एक्सपेंड करना है ना बहुत रैपिडली एक्सपेंड करना है। तो सेकेंड पॉइंट पर आता हूँ मैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपको नॉर्मली जो हर कोई भी आप जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको चाहिए चाहिए। सबसे पहले आपके पास खुद का व्हीकल होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आपको डिलीवरी करेंगे किस में, ठीक है, उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मतलब जो इंश्योरेंस होता है, जो उसके RC होती है, आपका DL होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और वो बैंक इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी जो सैलरी है, जो भी आपका इंसेंटिव जो भी होगा, सीधे आपका अकाउंट में जाता है यहाँ पे ऐसा कुछ। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ये आपके होने ही चाहिए किसी भी जॉब के लिए। 10th पास होना आपके लिए कंपलसरी है, और क्योंकि तभी आपको चीज़ें आगे करी जाएगी। और मेरे ख्याल से आज सब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, 10वीं तो सब लोग कर ही लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम अर्निंग कितना करेंगे। देखिए अर्निंग का इसमें कोई बड़ी सैलरी नहीं है, इसमें आप इसमें कोई 40-50 रुपये नहीं कमा सकते, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप ये सोच के आए थे कि आप 30-40-35-40 हज़ार कमाएंगे तो आपके लिए वीडियो नहीं है, ये बहुत ही बेसिक आप कमा सकते हैं इसके अंदर। 3500 रुपये हफ्ते कमाएंगे, मतलब अगर मैं 4 हफ्ते होते हैं तो उससे मैं इसको गुणा करूँ तो ये 14 हज़ार रुपये होता है। और इसके बाद अगर आप 26 दिन लगातार काम करते हैं इसके अंदर तो आपको 3000 रुपये का इंसेंटिव भी देते हैं ये कंपनी। तो कह सकते हैं कि इसमें आप 17 हज़ार रुपये तक आप इसमें कमा सकते हैं, जो कि ठीक ठाक है, उतना कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बेरोज़गार है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो मेरा नाम है नरेंद्र, मिलूँगा आपसे किसी अगली वीडियो में, जैसे बात करें किसी और बिजनेस फ्रेंचाइजी जॉब जिसमें आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं उसके।